हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का ऑल नेम रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जितने रिएक्शन है उनको हम सिंपल से ट्रिक से लर्न करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहला रिएक्शन लिया है कोलबेज रिएक्शन। ओके, सो कोलबेज रिएक्शन को लर्न करने का ट्रिक होगा, कोलबेज को साइकिल चाहिए। ओके, कोलबेज को क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखिए, कोलबेज में यहाँ पर प्रेजेंट है बी, सो बी फॉर हो जाएगा बेंजीन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर है ऑल, दैट इज अल्कोहल OH। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बेंजीन रिंग को ड्रॉ करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर है ऑल, OL दैट इज अल्कोहल। तो अल्कोहल को किस तरीके से लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? OH। ओके, तो यहाँ पर हम OH ग्रुप को अटैच कर देंगे। ओके, सो दिस इज फिनॉल। ओके, फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BES क्या है? बेस। ओके, तो यहाँ पर हम बेस लेंगे, डेट इज NaOH। ऑल राइट, सो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो H है, ठीक है, H की जगह पर हम इस Na को लिख देंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे बेंजीन रिंग को। ओके, यहाँ पर क्या है? O, तो O को लिखेंगे। देन नेक्स्ट H की जगह पर हम क्या लिखेंगे? Na को रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा O Na। ओके, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इस सोडियम फिनोक्साइड के रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ? अब यहां पर देखिए को, ठीक है, तो यहां पर CO2 एंड H+। तो यहां पर पहला रहेगा CO2, देन सेकेंड एसिड, दैट इज H+। ओके, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? यहां पर फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड का। ओके, तो यहां पर सबसे पहले तो हम इस फिनोल के स्ट्रक्चर को एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। ऑल राइट, देन नेक्स्ट यहां पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, यहां पर कौन सा ग्रुप लगाएंगे? तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लगाएंगे COOH ग्रुप। ओके, तो कैसे याद रखोगे? तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या लिया है? CO2 लिया है। सो सी 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, OO। ओके, यहां पर H है, ठीक है, तो ये वाला ग्रुप आप क्या करोगे? यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे लगा दोगे, दैट इज COOH। ओके, इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या लिया था? कोलबेज को साइकिल चाहिए, ठीक है, तो साइकिल से आप याद रख सकते हो ना, साइकिल सैलिसिलिक एसिड। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके, सो दिस इज कोलबेज रिएक्शन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन इज राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो राइमर टाइमन रिएक्शन को कैसे लर्न करोगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक होगा, राइमर ने टाइमन को बोला कल फिर बाहर आएगा चोर। ठीक है, राइमर ने टाइमन को क्या बोला है? कल फिर बाहर आएगा चोर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम बोला, ठीक है, सो बी फॉर बेंजीन रिंग। ओके, और ऑल डेट इज एल्कोहल। ठीक है, तो बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे और वहां पर हम क्या अटैच कर देंगे? OH ग्रुप। सो दिस इज बेंजीन रिंग। ऑल राइट, यहाँ पर क्या अटैच कर देंगे? बेंजीन रिंग हो गया, देन ऑल डेट इज अल्कोहल ग्रुप। सो यहाँ पर हम अटैच कर देंगे अल्कोहल, डेट इज OH को। ऑल राइट, सो दिस इज फिनॉल। देन नेक्स्ट है कलफिर। ठीक है, तो कलफिर से आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ऑल राइट, देन नेक्स्ट बाहर, तो यहाँ पर BA, तो आपको याद रखना है BA से बेस। ओके, तो यहाँ पर हम बेस लेंगे एक्वेस NaOH। ऑल राइट, देन नेक्स्ट सेकेंड, अभी यहाँ पर है आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा से आपको याद रखना है A, डेट इज एसिड, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एसिड, डेट इज H+। ऑल राइट, तो फिनॉल का रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरोफॉर्म, एक्वेस NaOH एंड एसिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सो यहां पर सबसे पहले तो आपको इस फिनोल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है एज इट इज। ऑलराइट, अभी यहां पर देखिए कौन आएगा बाहर, कौन आएगा? चोर आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए CHO, ठीक है, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर हम लगा देंगे CHO ग्रुप। ऑलराइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर सैलिसिलाल्डिहाइड।
ऑलराइट। सो राइबोटामिन रिएक्शन में क्या किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हम फिनोल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड में, एंड कोलबेज रिएक्शन में फिनोल का कन्वर्जन होता है सैलिसिलिक एसिड में। ऑलराइट, नाउ सी द थर्ड रिएक्शन, दैट इज विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, तो विलियमसन रिएक्शन को लर्न करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर देखिए विलियमसन। ठीक है, तो विलियम का एक सन था, ठीक है, तो विलियम का जो सन था, जो लड़का था, ठीक है, वो RX 100 की बाइक के लिए रो रहा था। ठीक है, तो विलियम ने अपने लड़के को कहा, बेटे तू रो ना, ठीक है, बेटे तू रो ना, मत रो, ठीक है, रो ना। तो यहाँ पर देखिए, इससे हमारा रिएक्टेंट तैयार होगा, दैट इज RX, ओके, दैट इज अल्काइल हैलाइड, ओके, देन नेक्स्ट RON, दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड, ओके। तो ये हो गए रिएक्टेंट, कौन से, RX, दैट इज अल्काइल हैलाइड, ओके, देन नेक्स्ट इज रोना। तो यहां पर हम लिख देंगे RONA, ओके, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। ऑलराइट, सो यहां पर जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, तो यहां पर देखिए ये मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, NaX बाहर आ जाएगा, दैट इज सोडियम हैलाइड, और यहां पर फॉर्मेशन होगा, यहां पर देखिए RONR, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे RONR। ऑलराइट, तो यहाँ पर विलियमसन रिएक्शन में ईथर का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट इज फोर्थ इज रैशिक प्रोसेस, ओके। तो रैशिक प्रोसेस को कैसे लर्न करोगे, तो यहाँ पर देखिए ट्रिक होगा, रैशिक को हमने शॉर्ट नाम दे दिया है, दैट इज राशि, ठीक है, तो राशि से कल भी पानी का प्रॉब्लम होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए कल भी, क्लोरो और भी में बी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहले यहां पर हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ऑलराइट, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ओके, देन नेक्स्ट पानी, सो यहां पर हम लिख देंगे H2O। ऑलराइट, देन नेक्स्ट कैटलिस्ट क्या होगा यहां पर, तो यहाँ पर देखिए का प्रॉब्लम, ठीक है, सो का से यहाँ पर हो जाएगा CA, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेंगे 3, प्रॉब्लम दैट इज PO, सो ब्रैकेट में लिखेंगे PO4 और यहाँ पर 2, ओके, दैट इज कैल्शियम फोस्फेट, CA3PO4 ट्वाइस, ओके, और यहाँ पर टेम्परेचर होगा 698 केल्विन। ऑलराइट, सो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर देखिए यहां से H और Cl बाहर निकल जाएगा, ओके, और यहां पर एक और H बचा है, मतलब OH आके यहां पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर फिनोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो HCl को हम इस तरीके से लिख देते हैं, दिस इज बाई प्रोडक्ट, ओके, HCl बाहर निकल गया, यहां पर बचा OH, तो OH आके यहां पर अटैच हो जाएगा OH, ओके, सो रैशिक प्रोसेस में फिनोल का प्रिपरेशन करते हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज क्यूमिन प्रोसेस, ओके, तो क्यूमिन प्रोसेस को लर्न करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर देखिए BIP वालों क्यू हाइपर हो रहे हो, ठीक है, BIP वालों क्यू हाइपर हो रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B फॉर बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेंजीन रिंग को ड्रॉ करेंगे, ओके, देन नेक्स्ट IP, दैट इज आइसोप्रोपाइल, ठीक है, तो यहाँ पर हम आइसोप्रोपाइल को लिखेंगे, दैट इज CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ओके, दिस इज आइसोप्रोपाइल, ओके, सो इस कंपाउंड का नेम होगा, स्ट्रक्चर का नेम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके, और आप इसको क्यूमिन भी बोल सकते हो, क्यूमिन, ओके, देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर है वालो, ठीक है, तो O, तो यहाँ पर हम लिखेंगे O2, ऑलराइट, देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर क्या है, क्यू हाइपर, तो क्यू हाइपर से आपको याद रखना है, क्यू से क्यूमिन, हाई से हाइड्रो, पर से पोरोक्साइड, दैट इज क्यूमिन हाइड्रोपोरोक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यूमिन हाइड्रोपोरोक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो CH है, ठीक है, CH के बीच में आपको दो ऑक्सीजन को लगा देना है, ठीक है, तो ये सेम स्ट्रक्चर होगा, सी, यहाँ पर CH के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर O2 है, मतलब दो ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, O, O और H, ठीक है, बाकी के ये CH3 को एज इट इज आपको यहाँ पर
लिख देना है CH3 CH3। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, अभी इसको हम ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को। तो यहां पर देखिए, यहां पर है हो, सो एच दैट इज एच प्लस, रह से कुछ नहीं है, यहां पर वापस से हो है, मतलब इसको हम ले लेंगे H2O। ठीक है, तो यहां पर H प्लस एंड H2O। ऑलराइट, ये H से हो गया H प्लस, ओके, और ये वाले हो से H2O। ठीक है, तो क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड और वाटर के साथ। ठीक है, सो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, यहां पर देखिए, यहां से CH3COCH3 ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, CH3COCH3 क्या होगा, ये एसीटोन होगा। ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये जो OH है यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा फिनोल का। ऑलराइट, और यहाँ पर बाहर क्या निकला, CH3COCH3 दैट इज एसीटोन। ओके, सो यहाँ पर देखिए, दिस इज फिनोल, ओके, एंड दिस इज एसीटोन। ऑलराइट, तो एसीटोन क्या है, बाई प्रोडक्ट है, एंड फिनोल इज अ प्रोडक्ट। ओके, सो क्यूमिन प्रोसेस में फिनोल का प्रिपरेशन करते हैं। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डाउस प्रोसेस। ओके, तो डाउस प्रोसेस को कैसे लर्न रखोगे, यहाँ पर ट्रिक देखिए, डाउस सेज टू भाव, कल बिबियाना आएगी। ओके, सो यहाँ पर आप नाम याद रख सकते हो, डाउ भाव। ठीक है, डाउ भाव, सो डाउ भाव को क्या कहते हैं, कल बिबियाना आएगी। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम रिएक्शन को, तो यहाँ पर देखिए, भाव से स्टार्ट करेंगे, बी, सो बी फॉर बेंजीन रिंग। ओके, एंड दिस इज सीएल, क्लोरो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे और बेंजीन रिंग से हम क्लोरो ग्रुप को अटैच करवा देंगे, दैट इज क्लोरो बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बेंजीन रिंग। ओके, देन नेक्स्ट कल, दैट इज सीएल, तो यहां पर हम अटैच कर देंगे सीएल को, दैट इज क्लोरो ग्रुप। ओके, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, अभी यहां पर देखिए, यहां पर ये सेकेंड वाला भी है। ठीक है, फर्स्ट बी से हमने बेंजीन रिंग ड्रॉ किया, सेकेंड बी से आपको याद रखना है बेस, तो यहां पर हम बेस लेंगे, दैट इज NaOH। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर होगा 623 केल्विन एंड प्रेशर इज 300 atm। ओके, तो टेम्परेचर प्रेशर कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर दो नाम है, डाउ भाव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, डाउ का 300 है, ठीक है, और भाव का 600 है, 600 में आप 23 बढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप टेम्परेचर प्रेशर याद रख सकते हो। ठीक है, डाउ का 300 है और भाव का 600 है, 600 में 23 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर 623 लिखना है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, अभी यहां पर देखिए, ये जो थर्ड बी है, थर्ड बी से आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है। फर्स्ट बी और थर्ड बी से बेंजीन रिंग बनाना है, और ये जो सेकंड वाला बी है, सेकंड बी से आपको ये वाला बेस याद रखना है। ठीक है, तो थर्ड बी से हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे बेंजीन रिंग को। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, यहां पर आना, दैट इज ANA। ठीक है, तो ए की जगह पर आपको याद रखना है ओ। ठीक है, ONA, तो यहां पर हम अटैच कर देंगे ONA को। ओके, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, सोडियम फिनोक्साइड को हम ट्रीट करेंगे एसिड के साथ। यहां पर आए की है, सो ए फॉर एसिड, तो यहां पर हम ले लेंगे एसिड, दैट इज HCl। ओके, अभी यहां पर देखिए, ये है H प्लस, ये है Cl माइनस, दिस इज O माइनस Na प्लस। ठीक है, तो Na और Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये H यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा फिनोल और NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, NaCl बाहर निकल गया और यहां पर फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट, दैट इज फिनॉल। ओके, सो डाउस प्रोसेस में फिनॉल का प्रिपरेशन कराते हैं। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एंड हियर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों ही रिएक्शन हमने ऑलरेडी हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस के चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, वहां पर मैंने आपको ट्रिक बताया है। ओके, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस में हम हेलो एरेंस का अल्काइलेशन और असाइलेशन करवा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सा चैप्टर, दिस इज एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए कंपाउंड लेंगे एनिसोल। ठीक है, यहाँ पर एनिसोल का अल्काइलेशन और असाइलेशन करवाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन हम कर रहे हैं फ्रीडेनक्रॉफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एनिसोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर अल्काइलेशन करवाना है हमें, ठीक है, एनिसोल का अल्काइलेशन करवाना है। तो अल्काइलेशन के लिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, ओके। तो एनिसोल को हम रिएक्ट करवाएंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये है प्लस पार्ट, ये है माइनस पार्ट, ठीक है। तो ये जो CH3, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है। तो इसी एनिसोल को हम यहाँ पर टू टाइम्स ड्रॉ करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल को हम एक बार ऑर्थो पोजिशन पर लगाएंगे, ठीक है, और एक बार पैरा पोजिशन पर लगाएंगे। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक होगा माइनर प्रोडक्ट और दूसरा होगा मेजर प्रोडक्ट, ऑलराइट। सो इस कंपाउंड का नेम है 2-methoxytoluene एंड दिस इज 4-methoxytoluene, ऑलराइट। सो दिस इज फ्रीडेनक्रॉफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज फ्रीडेनक्रॉफ्ट ऑसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑसाइलेशन रिएक्शन में यहाँ पर हम एनिसोल लेंगे, एनिसोल का ऑसाइलेशन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑसाइलेशन रिएक्शन में यहाँ पर हम लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ओके, और अल्काइलेशन रिएक्शन में हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अल्काइलेशन में हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड और ऑसाइलेशन में हम लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। बाकी आपका ये जो कैटलिस्ट है सेम होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये है प्लस पार्ट COCH3 एंड Cl इज नेगेटिव पार्ट, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है COCH3, ये एक बार ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा और एक बार पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले तो इसी स्ट्रक्चर को हमने दो बार ड्रॉ किया, ओके। देन नेक्स्ट COCH3 को एक बार हमने यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर लगाया है और एक बार पैरा पोजीशन पर लगाया है, ओके। सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, दिस इज 2-methoxyacetophenone एंड दिस इज 4-methoxyacetophenone, ओके। सो फ्रीडेनक्रॉफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन रिएक्शन को तो आप इजी वे में लर्न कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो भी कंपाउंड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर हेलो अरेंज का कोई कंपाउंड ले लेते, ठीक है, सपोज आप यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेते हो, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर रहेगा, क्लोरोबेंजीन का आपको अल्काइलेशन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्काइलेशन के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, मिथाइल क्लोराइड लोगे आप, ओके। अगर आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हो, क्लोरोबेंजीन का असाइलेशन रिएक्शन करवाना है, असाइलेशन करवाना है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, असाइलेशन रिएक्शन के ऊपर एसिटाइल क्लोराइड लेंगे, ओके, CH3COCl लेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो भी ये इलेक्ट्रोफाइल होता है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, ओके। आपको दो कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑलराइट। सो इस तरीके से आप फ्रीडेनक्रॉफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन को याद रख सकते हो, ओके। सो आई होप कि ये जो ट्रिक्स मैंने बताया, ठीक है, सारे आपको समझ में आए हो, ठीक है, आपके लिए यूजफुल हो। अगर वीडियो समझ में आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।